हेलो गाइस, तो अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लैट परचेज करने का सोच रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि किन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए, किन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ऑलरेडी फ्लैट परचेज कर चुके हो और सेकेंड होम परचेज करने का सोच रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और कुछ पॉइंटर्स हो तो वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में चलते हैं आगे। जो फर्स्ट पॉइंट है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो होम बायर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है, सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए, जिधर से भी आप फ्लैट परचेज करने का सोच रहे हो, जिस भी रियल एस्टेट डेवलपर से आप परचेज करने का सोच रहे हो, उसके पास OC और CC सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने इशू किया है या नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो ये OC होता है, ये होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और CC होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। इन दोनों सर्टिफिकेट्स होने के बाद ही आपके फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाएगी और आप पजेशन ले पाओगे। ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, लोकल अथॉरिटी इशू करती है, जो भी रियल एस्टेट फर्म्स होती हैं उनको अप्रूवल्स वगैरह के साथ। तो जैसे कि ये नोएडा है तो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी होगी, अगर ग्रेटर नोएडा है तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इशू करेगी। लेकिन ये जो दो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, OC और CC, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप इनकी कॉपी भी मांग सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, कि आप शो कर लीजिए एटलीस्ट ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नहीं तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नोएडा में तो आपको पता ही है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दो बड़े बिल्डर, आपका एक आम्रपाली हो गया और एक सुपरटेक हो गया, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल के चक्कर लगा ही रहे हैं। और लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये तो जो होते हैं आपके बिल्डर्स वगैरह होते हैं, ये तो छूट जाते हैं इन द एंड, लेकिन फंसता कौन है? वो फंसता है आम इंसान, क्योंकि उसका क्या रहता है कि उसने बुक करवा दिया फ्लैट, अब फ्लैट मिले या ना मिले आपको EMIs पे करनी पड़ती हैं। तो ये एक तरह का ऐसा फ्रॉड है। आप मान के चलिए अगर आपने 60 लाख का भी फ्लैट लिया है तो आपको फ्लैट भले ही 7 साल तक नहीं मिले, लेकिन आपको पे करनी पड़ेगी EMI एवरी मंथ। तो ये इतना बड़ा बर्डन हो जाता है, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मेरे जानकार हैं, गौरव के 3 फ्रेंड्स हैं। आप ये सोचिए, ये वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पोस्ट पे हैं और वो भी इन लोगों की बातों में आ गए। तो 2 फ्रेंड्स जो हैं, उन्होंने बुक करवाया था सेक्टर 76 में, आम्रपाली का प्रोजेक्ट था, आज तक उनको नहीं मिला है, 7 साल हो गए हैं और उनके EMIs चल रहे हैं और वो परेशान हैं। इवन तंग आके उन्होंने क्या किया कि वहाँ का तो EMIs चल ही रहा है, अब उनको फ्लैट लेना था तो उन्होंने दूसरा फ्लैट बाय कर लिया रेडी टू मूव इन। और एक और गौरव का फ्रेंड है जिसको नहीं मिला पोजेशन, वो सेक्टर शायद 119 में है, नोएडा का ही, लेकिन उसको भी आज तक पोजेशन नहीं मिला। बिल्डिंग इवन ये मान के चलिए कि उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है कि जो फर्निशिंग जो भी आपका रहता है, पूरा जो मेंटेन रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, बिल्डिंग तो खड़ी हो जाती है लेकिन उसका जो फिनिशिंग होता है वो बिल्डर नहीं करवा पाता है। तो उस केस में भी आप नहीं घुस सकते हो, या तो आप अपनी ही फिनिशिंग करवाओ तब आप जा सकते हो। तो ये जो केसेस हैं, ये मेरे सामने काफ़ी टाइम से थे, 6-7 सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, इवन आज तक उन लोगों को फ्लैट्स भी नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ चेक नहीं करी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। एट द टाइम ऑफ बुकिंग क्या होता है, ये जो आपके कमीशन एजेंट्स रहते हैं, ये तो आपको इस तरीके से शो करेंगे कि भैया इस बिल्डिंग में आपका रह गया है सिर्फ लास्ट यूनिट, तो आप फटाफट से बुक करा लीजिए, अदरवाइज ये नहीं बचेगी। तो आप क्या करते हो कि आनंद फानंद में आपको लगता है यार ये बेस्ट यूनिट है और यहाँ मैं बुक करवा लेता हूँ, अदरवाइज ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कामली आपको सोचना चाहिए कि इसके पास OC और जो CC सर्टिफिकेट है, तभी मैं आगे मूव करूं। भले ही वो फ्लैट सस्ता मिल रहा हो, बहुत अच्छी लोकेशन हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लैट सस्ता भी हो, अच्छी लोकेशन भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर फ्लैट मिलेगा ही नहीं तो आप कर क्या लोगे, आपके तो पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे। इतना हार्ड अर्न मनी जो है वो आप इस तरीके से खो नहीं सकते हो। इवन आप एक एग्जाम्पल मेरे सामने, तो मेरी आंखों के सामने है, जो मैं 6-7 सालों से देख रही हूँ, मेरे को मूव हुए, हाँ मेरी सोसाइटी में हो गए हैं 7 साल, और 7 साल से ही आप ये मान के चलिए मेरे घर के पास ही है एक जो बिल्डर है, बुलंद एलिवेट्स करके वो सोसाइटी है, और मैं 6-7 सालों से उसको एज इट इज़ देख रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ पर
मे बी सर्टिफिकेट्स नहीं है उनके पास, क्या रीजन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बिल्डिंग खड़ी हुई है और उस बिल्डिंग का जो रहता है ना कि ढांचा तो खड़ा कर दिया और जो अंदर का जो फिनिशिंग रहता है वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे तो सुनने में यहाँ तक भी आया था कि लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपना खुद से ही फिनिशिंग करवा के मूव कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के EMIs जा रहे हैं, बिल्डर तो भाग गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता चलता। तो अब उस केस में क्या होता है कि बिल्डिंग खड़ी है, भले ही आप ये मान के चलिए कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है, उसमें 200 ही फ्लैट्स हैं, अगर 200 में से आप ये मान के चलिए 50-60 भी अगर सेल हो गए हैं, तो 50-60 जो लोग हैं वो 50-50 लाख या 60-60 लाख रुपए का जो अमाउंट है उन लोगों ने अप फ्रंट जा रहा है उनका EMIs में, तो वो किस तरीके से रहे। तो ये दिक्कतें ना आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको कीप इन माइंड रखना चाहिए, सारी चीज़ें सेकेंडरी है, कि OC और CC सर्टिफिकेट आप अपना चेक कर लें, आप उसका फोटोकॉपी ले लें, क्योंकि बातों में बिल्कुल मत आइए, आप अपनी आंखों से चेक करें, क्योंकि जो ये मनी है आजकल तो फ्लैट्स वैसे भी कितने महंगे हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप इनका जो एक क्या कहते हैं एक ही लूप में आपको फंसाने का कोशिश करेंगे तो उसमें आपको नहीं फंसना है, और सोच समझ के डिसीजन लेना है, इन सर्टिफिकेट्स को देखना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप्स पे फॉलो करना है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि आपको ये चेक कर लेना चाहिए, जब भी आप किसी भी फ्लैट को परचेज करने का सोच रहे हो तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए जो भी डीलर है या जो भी है, कि वहाँ पर वाटर सप्लाई कैसा है, अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है, या फिर वहाँ पर आप ये मान के चलिए जो बोरवेल होता है कि वाटर के मतलब नीचे से निकाला जा रहा है, ज़मीन के नीचे से, क्योंकि यहाँ ग्रेटर नोएडा की तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ है कि जो पानी है अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड करती है और जो बोरवेल है वहाँ से पानी निकाला जाता है। तो प्रॉब्लम इस केस में ये आ जाती है कि जब अथॉरिटी ने नहीं करा और जो बोरवेल से पानी निकलेगा, तो ये होता है डे टू डे लाइफ में आपको पानी की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। क्या होता है कि बोरवेल से पानी निकलता है और जो वाटर लेवल होता है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए इतना कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर कदम कदम पे बने हुए हैं फ्लैट्स और अथॉरिटी उतना प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, तो वाटर लेवल नीचे जाने से आपको मतलब अभी नहीं तो ऑन द ग्राउंड आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको फेस करना पड़ सकता है वाटर शॉर्टेज का। रिसेंटली ही ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है, इसीलिए मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ कि आप फ्लैट अगर खरीदने जा रहे हैं तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि जो वाटर है वो आपका अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है, अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो बिल्डर है उसने बोरवेल से पानी निकाल रहा है, क्योंकि ये दिक्कतें आएंगी आगे और आपका पैसा एक बार फंस जाएगा तो आप उसको इतना इजीली नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि फ्लैट एक ऐसी चीज़ है कि आप लाइफ में कितनी बार ले लोगे, एक बार ले लोगे, दो बार ले लोगे, ऐसा तो है नहीं गाड़ी की तरह। गाड़ी आपकी अगर ख़राब भी आ जाए, मान लीजिए आप सोचेंगे कि चलो 2-3 साल में आप निकाल देते हैं, लेकिन फ्लैट में आप अपना जो ज़िंदगी भर की कमाई होती है उसको आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। एक एक चीज़ जो है जो मैं बता रही हूँ वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से है। जब हम लोगों ने फ्लैट बुक कराया था तब हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन रहते रहते हमें आइडिया हो गया है कि किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए जिससे हमारे पैसे ना डूबें। हमारे तो चलो बाई चांस नहीं डूबे, लेकिन जो गौरव के फ्रेंड्स हैं 2-3 में जो देखती हूँ, इवन वो पढ़े लिखे थे इतना, स्टिल उनका पैसा डूब गया। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग ना फेस करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर सप्लाई, आप चेक कर लीजिए कि किस तरीके का है। थर्ड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका डायरेक्ट कनेक्शन मतलब जो गवर्नमेंट वाला रहता है वो है, या फिर जो एक बिल्डिंग का ही रहता है, एक कंसोलिडेशन में रहता है कनेक्शन वो है। तो इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर ये जो अथॉरिटी वाला जो कनेक्शन रहता है आपका, उसमें कुछ यूनिट्स तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है, इनिशियल यूनिट्स तक, फ्लैट रेट नहीं होते हैं, आपको पता होगा शायद, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये है कि जो अथॉरिटी वाला नहीं है, दूसरे वाला कनेक्शन है, तो उसमें, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरी एक फ्रेंड है उसका है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ रेट तक आपको जैसे 200 यूनिट्स या वगैरह कुछ डिस्काउंट होता है, उसके बाद ही आपको एडिशनल जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो काफ़ी कम आता है एज कम्पेयर टू अगर जो बिल्डिंग का, जो सोसाइटी का एक कंप्लीट कनेक्शन रहता है। तो इस केस में ये होता है, वैसे तो दोनों ही प्रीपेड रहते हैं आजकल, पोस्टपेड का तो सीन ही नहीं है, लेकिन
जो आपका रहता है जिसमें अथॉरिटी देती है उसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो तो आपका मीटर लगा है, आप जितना यूज करोगे उतना आपको देना पड़ेगा और इसमें कोई बीच में होता भी नहीं है, तो किसी की जेब में जाने का तो चक्कर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो सोसाइटी का रहता है आपका कनेक्शन वाला, जो चीज मैं बता रही हूँ आपको, उस केस में क्या होता है कि जो पूरा कंट्रोल होता है, जो आपका एओए होता है, इनिशियल डेज में तो बिल्डर ही देखता है पूरा जो रहता है, लेकिन बाद में एओए वगैरह रहते हैं तो वो जो कंट्रोल होता है वो बहुत हद तक कुछ एक कह सकते हैं आप टीम मेंबर्स के पास चला जाता है। तो अगर उसमें कुछ हेर फेर हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ भी जस्टिफिकेशन के लिए नहीं है, कोई एज सच आपका कोई बिल ऐसा कोई जनरेट नहीं हो रहा कि आपने कौन सी यूनिट्स यूज़ करी हैं, कैसे किया है, आपका एक प्रीपेड मीटर है और वो आप जितना उसे यूज़ कर रहे हो ऐसा बताया जाता है, उसमें से डिडक्ट होते जाते हैं। तो ये चीज़ है, और बीच में मुझे सुनने में भी आया था कि एक सोसाइटी में कुछ घपला हुआ था, इसीलिए मैं ये चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ। तो आप ये माइंड में रखिए कि अगर अथॉरिटी वाला जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो अगर है तो बहुत ही अच्छा है, उससे आपका पैसा भी सेव होगा इन अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप फ्लैट में रहोगे तो लॉन्ग टर्म ही रहोगे, और अदरवाइज आपको थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ जाता है जिसमें मीटर जो रहता है आपका सोसाइटी वाला जो रहता है आपका जो बिल्डिंग का वो पूरा रहता है इसमें, इंडिविजुअल फ्लैट्स का अलग अलग रहता है। तो ये चीज़ है, तो अगर ये भी आप चेक कर पाओ फ्लैट बाय करने से पहले आप बिल्कुल डिस्कस कर लीजिए सारी बातें, एक एक बातें, और अगर कोई पॉइंट आपका रह जाता है तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको लगेंगे कि छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन जब आप रहने जाओगे फ्लैट्स में तब आपको लगेगा कि ये चीज़ हम लोगों ने क्यों नहीं सोची। तो ये तो हो गई आपकी बात इलेक्ट्रिसिटी की, ये मैं सब बेसिक से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स इनिशियल टाइम में आपको लगता है कि यार ये चीज़ें तो बाद में देख ली जाएंगी, लेकिन ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में यूज आती हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो आता है कि पावर बैकअप, क्योंकि आप सोसाइटी में मूव करने का सोच रहे हो, आप फ्लैट परचेज कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव करने का सोच रहे हो, और अगर पावर बैकअप नहीं होगा तो 24 आवर्स जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चीज़ है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि मेरी सोसाइटी में तो है जो पावर बैकअप है, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड, इवन उसकी नई सोसाइटी है, अभी एक दो साल ही हुए हैं पोजेशन में हुए, वहाँ पर पावर बैकअप नहीं है और वहाँ पर इन्वर्टर दिया है जो आपका बिल्डर रहता है उसने। तो ये चीज आप मेक श्योर कर लीजिए कि सोसाइटी में पावर बैकअप है या नहीं है, क्योंकि पावर बैकअप एक नेसेसिटी है आप इस तरह का मेट्रो सिटी में अगर रहते हो तो, अदरवाइज आपको दिक्कत भी होती है और ये इन्वर्टर वगैरह रखने में जो मेंटेनेंस वगैरह रहती है वो तो अलग ही चीज है। पावर बैकअप का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन आपकी लाइफ थोड़ी इससे ईजी हो जाती है क्योंकि हाई राइज में गर्मी बहुत रहती है और बहुत सारी चीजें हैं, आप इधर उधर नहीं भाग सकते हो अगर कुछ दिक्कत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर रहेगी आपकी 24 आवर्स तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप ऑब्वियसली आप फ्लैट बाय कर रहे हो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो आपको माइंड में रखनी ही चाहिए, ठीक है। अब आपका आता है फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट जो ऐसा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। देखिए फ्लैट जो है आप अगर जाओगे जैसे सर्च करने जाओगे, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, तो आपको सेम एरिया होगा, आपको एक फ्लैट मिल जाएगा 60 लाख का और एक मिल जाएगा आपको 70 लाख का, लेकिन आप लोगों का माइंड ये रहता है कि यार सेम लोकेशन है, सब चीज़ें सेम लग रही हैं तो क्यों ना 60 लाख वाला बुक करा लिया जाए। पर आपको एनालाइज करना होगा कि जो 60 का दे रहा है वो उसी सेम उसमें सेम लोकेशन है सब कुछ है, वो 60 का कैसे दे रहा है और वो 70 का क्यों दे रहा है, क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं होते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है आगे के टाइम में। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो आपका जो रेट है फ्लैट का वो आप साइड में रखिए। सबसे पहले जब आप इंक्वायरी के लिए जा रहे हो, जब आप सर्च कर रहे हो फ्लैट, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो फ्लैट है उसके अंदर वो किस क्वालिटी का सामान लगा रहे हैं, लाइक स्विचेस कोई कंपनी के लग रहे हैं या लोकल लग रहे हैं, या अगर वो आपको थोड़ा मोड़ा मतलब फर्निशिंग करके दे रहे हैं, लाइक अगर वो मॉड्यूलर किचन करके दे रहे हैं तो उसमें चिमनी किस कंपनी की लगा के दे रहे हैं, या जो वार्डरोब्स हैं उसमें किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट ये है कि जो यूज़ कर रहे हैं ये जो सैनिटरी आइटम्स वाला जो रहता है आपका, जैसे कि आपका बाथरूम का जो सामान रहता है, जो वॉश बेसिन वगैरह है, वो किसी कंपनी का लगा रहे हैं या लोकल लगा रहे हैं, जो आपके नल हो गए
और जो आपका मतलब शावर वाला हो गया, तो वो जो सारी चीजें होती हैं उसमें ये बहुत घपला करते हैं और बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा लेते हैं। ऐसा हो जाएगा कि आप मूव करोगे और 2-3 साल बाद वो खराब हो जाएगा और आपको अपने जेब से खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको वन टाइम में ही अच्छा मिल जाए तो आपको एक तो चेंज करने का हेडेक नहीं रह जाएगा और ऊपर से आप लॉन्ग टर्म उसको यूज कर सकते हो। तो ये सब सारी चीजें आपको पहले से ही माइंड में रखनी चाहिए कि जो फर्श पे जो टाइल्स वगैरह लग रहे हैं वो किस क्वालिटी के लगेंगे, वुडन वर्क देंगे नहीं देंगे। तो ये सब आपको मेक श्योर करना होगा एट द टाइम ऑफ क्या कहते हैं बिफोर बुकिंग, ना कि आफ्टर बुकिंग। आफ्टर बुकिंग तो आप फंस गए और आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप बिल्डर चेंज कर सकते हो, ना ही आप कुछ कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो किस तरीके की है। देखिए वैसे तो जो हाई राइजेस होते हैं वो आपके पिलर और बीम्स पर ही टिके होते हैं, तो दीवारें तो जो रहती हैं उसमें आप अगर कील भी ठोकोगे तो चूना सा निकलेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि वो वीक है दीवारें उसकी स्ट्रांग ही हैं, क्योंकि जो पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है वो पिलर और बीम्स पर ही होता है। तो इसीलिए जो वॉल्स वगैरह रहती हैं वो लाइट रखी जाती हैं और उनको प्रॉपर ये जो आपका ईंट रहती है उससे नहीं फिलअप किया जाता है, कुछ अलग मटेरियल से वो फिलअप करते हैं जिससे अर्थक्वेक वगैरह के टाइम में वो शेक कर पाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस तरह से की जाती हैं। तो इसलिए दीवारों वगैरह की क्वालिटी पर आप मत आइएगा। बस वो हो सकता है कि वो लोग जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को फिलअप करने के लिए वो अच्छा लगा रहे हैं या बुरा लगा रहे हैं, वो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जो ये क्वालिटी रहती है आपकी वो आपकी पिलर और बीम्स पर ही टिका रहेगा। तो आपको जो और चीज़ें जो मिलती हैं फ्लैट के अंदर जो बिल्डर लगा के देता है, तो उन पर आपको फोकस करना चाहिए कि वो जो मटेरियल यूज़ कर रहा है, वो जो चीज़ें लगा के दे रहा है, जितनी भी लगा के दे रहा है, और वो क्या क्या लगा के देगा। ऐसा ना हो कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपको बोले वो कि देखिए मैं ये चीज़ें आपको करके दूंगा, और जब आप पोजेशन लेटर आपका आए और आप जाएं तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो वो सब चीज़ें कहीं रिटन में हो, अगर वो बोल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट वो जो जितनी उसने बोली है वो तो वो करके दे। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। कुछ ना कुछ तो ये लोचा करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं जो कमिटमेंट दिया वो फुलफिल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो एक दो चीज़ें रह जाएं तब चलो फिर भी हम इग्नोर कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो ना कि जितना कमिट किया उसका 50% ही करके दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वो क्या कमिट कर रहा है और क्या डिलीवर कर रहा है, और आपके पास कुछ एक रिटन में कोई लेटर होना चाहिए कि वो ये चीज़ें आपको फ्लैट में करके देने वाला है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जब पोजेशन लेटर आएगा फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं होगा। अदरवाइज उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो पैसा रिफंड करे या वो सारी चीज़ें करवा के दे। तो ये तो हो गए आपके 5 पॉइंट। होपफुली आप इस वीडियो में इंजॉय कर रहे होंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मुझे लगा बनाना चाहिए क्योंकि इस तरह का वीडियो हमें तो नहीं मिला जब हम लोग फ्लैट बाय करने का सोच रहे थे। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, और आप अगर खुद अगर आपके लिए ये अप्लाई नहीं करता तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इस वीडियो पे अब हम चलते हैं और हम आगे डिस्कस करेंगे और 5 पॉइंट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप करिएगा मत। 6 पॉइंट ये है कि आप जो भी फ्लैट परचेज करने का सोच रहे हो उसमें आप ये चेक कर लीजिए कि रूम के साइजेस क्या हैं, किचन के क्या साइजेस हैं और बाथरूम के क्या साइजेस हैं। क्योंकि नॉर्मली पता ही है आजकल क्या हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल जो मैं देख रही हूँ जो रीसेंट जो फ्लैट्स बन रहे हैं उसमें बिल्डर ये कर रहे हैं कि जो बालकनी है वो तो क्या करते हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी बना देते हैं, ठीक है, और जो फ्लैट्स में आप रूम देखोगे 3 BHK ही बनाएंगे, लेकिन इतना छोटा रूम होगा कि आपने अगर डबल बेड डाला और वो रूम ख़त्म हो जाएगा, ना स्पेस रहेगी चलने की, ना ही आपको अलमीरा लगाने की जगह होगी। तो ये जो चीज़ें हैं कि अगर वो आपको कह रहा है कि मैं ये जो फ्लैट है 3 BHK है, तो वो क्या सही में 3 BHK है, या कोई कह रहा है 2 BHK है तो सही में 2 BHK है, क्योंकि इन द एंड रहना आपको है आपका सामान उसमें फिट आ पाएगा नहीं आ पाएगा। वो आपको इस तरीके से बताते हैं कि जो स्क्वायर फीट एरिया है, और स्क्वायर फीट में वो क्या करते हैं, जो लोचा यहाँ पे होता है स्क्वायर फीट में वो होता है बालकनी का, कि बालकनी को बड़ा कर दिया और जो बालकनी का जो एरिया है उसको भी स्क्वायर फीट वाले एरिया में जोड़ देते हैं, और जो कॉमन एरिया जो आपकी लॉबी रहती है उसके भी एरिया को जोड़ देते हैं। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि जो आपका फ्लैट है जो स्क्वायर फीट वाला है वो तो वो बताएंगे ही आपको कि आपका भैया 2000 स्क्वायर फीट का है या 1500 स्क्वायर फीट का है, लेकिन आपको पूछना है कि मेरा जो फ्लोर एरिया है,
फ्लोर ओरियम एरिया जो होता है वो आपका जो बंद वाला एरिया होता है उसको कवर करता है, तो फ्लोर एरिया कितना स्क्वायर फीट का है। जैसे मैं अपने ही फ्लैट का अगर एग्जांपल लूँ कि मेरा जो फ्लैट है वो 1100 स्क्वायर फीट का है लेकिन मेरा जो फ्लोर एरिया है वो 700 स्क्वायर फीट है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल इस चीज़ में बहुत गोची कर रहे हैं। और इसका जो कनेक्शन है वो आगे है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये गोची करते हैं। स्क्वायर फीट तो आपको दिखा देंगे कि ये 1500 स्क्वायर फीट है, ये 2000 स्क्वायर फीट है, लेकिन अगर आप फ्लोर एरिया देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो फ्लोर एरिया है आपका, जो आपका रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, जो आपका कवर्ड एरिया हो गया, ठीक है, बालकनी वगैरह को हटा दो तो फ्लोर एरिया उसे कहते हैं। तो फ्लोर एरिया आपको जरूर पूछना चाहिए कि स्क्वायर फीट तो ठीक है भाई, लेकिन आप ये बताओ कि फ्लोर एरिया कितना है, क्योंकि फ्लोर एरिया पे ही ये ज्यादातर जो पैसा बनाते हैं सारे के सारे बिल्डर। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेरा एक कजिन है वो आर्किटेक्ट है तो वो खुद डिजाइन करता है, तो उससे भी मेरे से डिस्कस हुआ है वाली बात, तो उन्होंने खुद ही बोला था कि जो बालकनी की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है, हवा में ही है वो बालकनी, तो थोड़ा बड़ा भी कर देंगे तो इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन जो सारी कॉस्ट रहती है, क्योंकि जो आपका जो बिल्डिंग रहती है वो जमीन वाला जो रहता है उस वाली चीज पे रहती है, तो जो ये फ्लोर एरिया होते हैं उसी में ये लोग करते हैं गोची। तो आपको फ्लोर एरिया पूछ लेना चाहिए जब भी आप फ्लैट बुकिंग कराने जा रहे हो। अगर फ्लोर एरिया कम है तो आपको चेक करना चाहिए कि जो आपके रूम साइजेस हैं, किचन है, बाथरूम है, उनके क्या साइजेस हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये ना हो कि आपका सामान ही फिट ना आ पाए, आपने इतना पैसा भी दिया और आपने स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा दे दिया और आपको मिल रहा है कुछ और, आप सोच रहे हो कि भैया मेरा तो 3 BHK 4 BHK फ्लैट है लेकिन फ्लोर एरिया उसमें आपका 2 BHK के बराबर हो जाता है, तो ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है आजकल के टाइम में। पहले ऐसा नहीं था लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि रेट्स बढ़ रहे हैं तो ये लोग इस तरीके से रेट कम दिखाकर कि भैया देखिए हम तो आपको कम में ऑफर कर रहे हैं, 3 BHK दे रहे हैं, इस रेट में कहीं भी नहीं है, और आप पता भी करोगे आसपास कि हाँ 3 BHK तो इस रेट में नहीं है और आप फटाफट से बुक करा लोगे, तो उस वो 3 BHK 2 BHK के फेर में मत पड़िए। आप ये चेक कीजिए कि जो फ्लोर एरिया है वो कितना है स्क्वायर फीट है, अगर वो आपका ठीक ठाक है फिर आपने रूम के साइजेस, किचन के साइजेस और जो बाथरूम के साइजेस हैं वो चेक कीजिए, वार्डरोब लगाने की जगह है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि फ्लैट जो लेते हो आप लाइफ में एक बार लेते हो, बार बार तो आप ले नहीं सकते, ना ही बार बार चेंज कर सकते, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, 7th पॉइंट, कि ये ऐसा करते क्यों हैं, ये गोची जो करते हैं आपका स्क्वायर फीट वाले में, क्योंकि जो मेंटेनेंस चार्ज रहता है, अब आप मान के चलिए जो मेंटेनेंस चार्ज है लेते हैं आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से, हर सोसाइटी का यही है, कुछ भी रेट इन लोगों ने रखा हुआ है, मतलब उनका अपना मेंटेनेंस चार्ज है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो एक फिक्स है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको देना पड़ता है ये पर स्क्वायर फीट के रेट से, तो इसीलिए आप शुरू में ही इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं मेरी जान पहचान में जहाँ का आप ये मान के चलिए कि फ्लोर एरिया कम है लेकिन उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है मेंटेनेंस चार्ज, और आपको पता है कि जो मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको एवरी मंथ देना पड़ता है। इवन आप सोचिए 2 BHK जो फ्लैट है उसका रेंट तो होगा आप मान के चलो 15,000 पे, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं 4,000-5,000, तो सोचिए कितना कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये चीज बिल्कुल इग्नोर करने की नहीं है, पहले से ही आप मेक श्योर रहिए कि आपका फ्लोर एरिया कितना है और आपको मेंटेनेंस चार्ज जो है आपका पूरा जो स्क्वायर फीट वो एरिया दिखाते हैं इंक्लूडिंग बालकनी कॉमन एरिया वो आपको देना पड़ता है, तो इसी वजह से जो मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ें की जाती हैं, तो इससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है इन लोगों की, और लगता कितना है वो तो एक अलग पॉइंट है, लगता उतना नहीं है लेकिन वही है कि आगे उन सब चीज़ों में करप्शन होता है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए। अब जो आता है 8th पॉइंट, वो ये है कि आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में जो ये आपको दे रहे हैं उसमें ग्रीन एरिया है या नहीं है। आजकल तो ऐसा कर दिया है कि आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी है, इवन कोई भी मतलब कच्चा नहीं छोड़ा, कोई पार्क नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो आई थिंक कुछ मैंडेट है अथॉरिटी की तरफ से कि इतना परसेंट ग्रीन एरिया होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या साठगांठ हो जाती है कि वो ग्रीन एरिया नहीं होता है, तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में फिर दिक्कत आएगी कि आपको वॉक पर निकलना है, कुछ करना है और ग्रीन एरिया नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे से पेड़ लगे होते हैं और जो घास होती है वो भी नकली होती है, एक कारपेट बिछा देते हैं घास वाला, तो ये जो चीज़ें हैं जब भी आप देखने जाएं अपने लिए फ्लैट या फिर आप फ्यूचर में अपना सेकेंड होम बाई करने का सोच रहे हैं तो ये भी चेक कर लीजिए कि ग्रीन एरिया जो है वो कितना ये एलोकेट कर रहे हैं और एक्चुअल में है भी या सिर्फ बस पेपर्स पर ही है, तो ये चीज़ हो गई।
अब आता है नाइन्थ पॉइंट कि ये पार्किंग अपनी चेक कर लीजिए कि जो पार्किंग है वो ओपन है या बेसमेंट में है और उसका साइज़ क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम आजकल ये आ रही है कि जो गाड़ियों के साइजेस हैं वो तो बढ़ गए हैं, ठीक है, और जो ये पार्किंग देते हैं वो बहुत छोटे साइजेस की देते हैं। तो आप पहले ही मेक श्योर कर लीजिए कि देखिए भैया मेरी ये गाड़ी है कि मेरी, तो छोटी गाड़ी तो आजकल है नहीं कि ऑल्टो वॉल्टो तो कोई ले नहीं रहा, सबके पास SUVs वगैरह हैं, तो उस केस में आपकी गाड़ी को लगाने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो पहले ही अपनी जो पार्किंग है वो चेक कर लीजिए कि फ्लैट तो चलो आपने फाइनल कर दिया कि किस फ्लोर पे क्या लेना है जो भी चीज़ें हैं, और लेकिन जो पार्किंग है वो ठीक से है नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जो 10th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब भी आप फ्लैट देखने जाएं, लिफ्ट। आपको ये चेक करना है कि जो लिफ्ट है जो ये दे रहे हैं, क्योंकि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपको लिफ्ट उसमें डे टू डे बेसिस पे आपको यूज़ करनी होगी। आपका कोई भी हैवी से हैवी सामान हो गया, आपका शिफ्टिंग करनी है, कुछ भी करना है या फिर सामान आएगा भी, तो लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। क्योंकि क्या रहता है ना कि कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो आपको सस्ते में ऑफर कर रहे होंगे फ्लैट और आपने वो सारी चीज़ें देखी नहीं कि लिफ्ट जो है वो क्या है, क्या करते हैं वो। वैसे तो जो लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि पर फ्लोर कितने फ्लैट्स हैं और कितने फ्लोर की बिल्डिंग है उस हिसाब से लिफ्ट लगाई जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये छोटी लिफ्ट्स लगा देते हैं और लिफ्ट की जो बोलते हैं जो कंपनी होती है वो उतनी रिनोन नहीं होती है, तो लिफ्ट में बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है और कभी कोई लिफ्ट बंद तो कभी कोई लिफ्ट बंद। और छोटी लिफ्ट लगाने से ये होता है कि आपका जो सामान है वो ग्राउंड फ्लोर से, आप मान लीजिए 10th फ्लोर पर रह रहे हैं तो वो लिफ्ट से नहीं जा पा रहा है कि पलंग नहीं आ रहा है जी, सोफ़ा नहीं आ रहा है जी, क्योंकि आजकल सामान तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टेयर से भेजना पड़ता है, उसके लिए आपको मजदूर लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जब भी आप जाएं तो आप ये चेक कर ले कि लिफ्ट कौन सी कंपनी की लगा रहे हैं लोग, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताएंगे। तो लिफ्ट की कंपनी, कितनी लिफ्ट लगेंगी, लिफ्ट के क्या साइजेस हैं, छोटे साइजेस तो नहीं है, बड़े साइजेस तो नहीं है, तो ये तो हो गई बात आपकी लिफ्ट की, ठीक है। तो ये जो 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको माइंड में रखने हैं। ये तो बात हुई है कि जब तक आपका जो है फ्लैट अभी मतलब या तो उस सोसाइटी में कोई रहने नहीं आया है तब आपको ये सारी चीज़ें इंक्वायर करनी पड़ती है, लेकिन सपोज अगर आप रेडी टू मूव इन का ही सोच रहे हो तब इनमें से ये है कि आपको कुछ पॉइंटर्स आप इसमें से इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पर जाके काफ़ी कुछ देख सकते हो, जैसे कि ग्रीनरी वाला फैक्टर हो गया, लिफ्ट के साइजेस वाला हो गया, ठीक है, और आपका ये हो गया कि जो फ्लोर है वो किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे दिख जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि बड़े बड़े बिल्डर्स डूब रहे हैं, कभी किसी का अरेस्ट हो रहा है और लोगों के पैसे भी डूब रहे हैं उस केस में। तो ये तो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए कि अगर आपको ये है कि पहले ही बुक कराना है जी फ्लैट और मेरे को बाद का चक्कर नहीं रखना या मेरे को बाद में नहीं लेना है, तो उस केस में तो आप ये पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप, मेरी मानिए तो, किसी छोटे बिल्डर के साथ ना जाके किसी रिनॉन्ड बिल्डर के साथ ही जाएं, क्योंकि छोटे बिल्डर्स इन सब चीज़ों में गोची कर देते हैं जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। फ्लैट्स आपको भले ही 2-3 लाख रुपए सस्ता दे देंगे वो, आप जब जाओगे सेम लोकेशन होगी सब कुछ होगा तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि यार इस बिल्डर का क्यों लेना, उसका नहीं ले लूँ मैं, सेम साइज है सब कुछ है और वो कह रहा है मैं एडिशनल चार्जेज़ करके दूंगा। लेकिन जब आप वहां रहोगे तब आप रियलाइज करोगे कि गलती कर दी, क्यों ना मैं वो 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के दूसरे बिल्डर का ही ले लेता। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपको एक तो सबसे ज्यादा गोची करते हैं ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, दूसरा ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट रहता है, ठीक से जो गार्ड्स वगैरह नहीं बिठाते हैं ये जो भी एंट्री एग्जिट गेट्स होते हैं उस पर, और बहुत ही बेकार सिक्योरिटी होती है, कोई भी किसी भी फ्लोर तक पहुंचे जा रहा है, तो वो कंसर्न रहता है फ्यूचर में। आप अपने 2-3 लाख रुपए बचा के अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ तो बिल्कुल भी ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो आप किसी रिनॉन्ड बिल्डर के साथ ही जाइए, छोटे मोटे बिल्डर्स की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो भी आपको कन्विंस करने का ट्राई करेंगे क्योंकि उनका कमीशन ज़्यादा होता है उस केस में, क्योंकि जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं उनके तो वैसे भी फ्लैट्स बहुत जल्दी बायआउट हो जाते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको किसी छोटे बिल्डर्स के साथ जाना है, आपको लगता है कि नहीं मैं अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्डर मुझे सही लग रहा है, तो मेरी बात मानिए कि आप रेडी टू मूव इन ही आप प्रेफर कीजिए। ऐसा मत करिए कि आप अपना पैसा डाल दें और
और फिर आपको किसी ना किसी चीज़ में आपका फ्लैट अटक जाए और आप EMIs दिए जा रहे हो ना वो फ्लैट बन रहा है, तो ये पॉइंट्स हैं और ये मैंने देखे हैं इन 6-7 सालों में, काफ़ी मैंने केसेस भी सुने हैं और मैं मीडिया में भी ये सारी चीज़ें सुनती रहती हूँ, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। थोड़ा लेंथी हो गया है आई नो, लेकिन मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती थी इसमें। मैं चाहती थी कि जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैं सब आपसे शेयर करूँ, इसीलिए ये वाला वीडियो मैंने बनाया है। होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और एक साथ होना इस इन्फॉर्मेशन का बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने भी डे टू डे लाइफ में ये चीज़ फेस की है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितने भी ज़्यादा लोगों तक हो सकता है आप पहुंचा सकते हैं, अपने जो फैमिली ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वगैरह के उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी और ग्रुप में भी करना चाहें वो एज यू विश। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बस मेरा यही कहना है कि अगर पॉसिबल हो तो आप रेडी टू मूव इन में ही मूव करें, क्योंकि अगर आपका पैसा पहले चला जाता है तो आपको नहीं पता चल पाता है। अगर आपको रेडी टू मूव इन नहीं मिल पा रहा है और आप कोई ऐसी सोसाइटी में देख रहे हो तो वहाँ पर आप पहले रेंट पर रह के देख लीजिए। अगर आपको रेंट पर रह के वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि जब आप एक बार रहने चले जाते हो सोसाइटी में तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए फ्लैट सर्च करना नियर बाय लोकेशन पे भी, और इवन जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो वहाँ भी आपको ईजिली मिल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट एनी कमीशन भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यही है मेरा पॉइंट तो आज का, कि इतनी सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की या नोएडा की मैं बात करूं तो आप खुद ही देखना कि इतनी सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं, ये आप लोगों को पागल बनाते हैं कि एक भी यूनिट नहीं बची हुई है, बस इस वाले टावर में तो दो ही यूनिट बची हुई हैं। तो इन सब फ्रॉड बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है अपने मन मुताबिक फ्लैट तो पहले आप रेंट पर रह के देख लीजिए, और उसके बाद तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, इतनी यूनिट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आप रेंट पे नहीं रहना चाहते हो तो बस जो भी मैंने पॉइंटर्स बताए हैं उसको बिल्कुल आपको फॉलो करना है, तो आपके संग कोई भी फ्रॉड नहीं होगा और आपको बहुत अच्छे से फ्लैट मिल जाएगा और आप बहुत खुशी खुशी उस फ्लैट में रहोगे। तो ये वीडियो इतना ही था, और अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, और भी मेरे वीडियोस इस पे आप मिल जाएंगे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।